ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ Apex Internet.
हाँ जी बेटा, क्या नाम है? हरलीन कौर। हरलीन कौर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं प्लस टू। कौन सा स्कूल? कैम्ब्रिज इंटरनेशनल। आई डीएवी कॉलेज की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, क्या क्या कहना चाहोगे? हमें बहुत अच्छा लगा है कि डीएवी कॉलेज ने हमें और हमारे टॉपर्स को यहाँ पर बुलाया है और हमें सम्मानित किया है। हम उनको बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पर भी, मुझे मेरे फ्रेंड्स पर भी, कि वो भी यहाँ पर हमारे साथ आए हैं और हम सबको ये अवार्ड मिला है। और मैं डीएवी कॉलेज को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे सम्मानित किया। आज जो बच्चे हैं मोबाइलों में लगे रहते हैं, पढ़ाई की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, क्या कहना चाहोगे? ये हमें अपना खुद का मन बनाना पड़ेगा कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी डेडिकेशन होनी चाहिए कि हमने जो हमने सोचा है वो हमने करना है। ये बंदे की डेडिकेशन पर डिपेंडेड है। आपका एम क्या है? मेरा एम है कि मैंने पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर करना है। हाँ जी सर, सर अज डी ए वी कॉलेज वालों एक विशेष प्रोग्राम आप कह सकते हैं आशीर्वाद जी करवाया गया, जिस सिक्ख्या के खेत्र के अव्वल आए बच्चों सम्मानित किया गया, ये कहना चाहोगे? मैं थोड़े चैनल के नाल पहला तो थोड़ा धन्यवाद करना चाहना कि तुसी इस अच्छे प्रोग्राम को कवर करने वास्ते साडे वेड़े आए, और ये दसना चाहना और दसते टाइम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि जिहड़ा तहसील है नकोदर दी उहदे विचों असी तकरीबन सारे स्कूलों के राही वह बच्चों ने चोन की जिन्होंने अपने अपने स्कूल के अव्वल पोजिशन हासिल की दसवीं और बोर्ड बारहवीं की बोर्ड की क्लासों में, और वो 200+ विद्यार्थी साढ़े वेड़े आए और उन्होंने सन्मानित करने के पिछे साडा मंतव सीगा कि उन्होंने जिहड़ी उन्होंने अपनी उन्होंने माँ बाप की उन्होंने स्कूल की अध्यापकों की जिहड़ी मेहनत है उन्होंने असी सलाम करिए, नाल ही उन्होंने एक मौका देिए कुछ अजिहा इंस्पायर करने वास्ते मोटीवेट करने वास्ते कि आने वाले दिनों दे विच भी अपनी इस अचीवमेंट नूं ना केवल बरकरार रखन बल्कि इस तों होर वधिया मार्क्स लैके आन, वधिया इंसान बनन। तो ये पर्पस सीगा, इस करके दा नाम भी असी आशीर्वाद सीगा कि इन्हां नूं आशीर्वाद भी दित्ता ते नाल मोटीवेशन भी दित्ता। की मैसेज देना चाहोगे बच्चों? मैसेज मेरा यह है कि बच्चों जिंदगी च किसी भी मुकाम नूं हासिल करना बहुत मुश्किल हुंदा, लेकिन उस मकाम नूं बरकरार रखना होर भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण जिहड़ा है कि इशू हुंदा है। तो मैं जिथे थानू अज मौके इस बधाई देना चाहना, लेकिन थानू आगाह भी करना चाहना और थोड़े तो आस भी रखूँगा कि आपां नूं इस मुकाम तो होर अगे जाना है, क्योंकि जिहड़ा अज दा वर्तमान दा दौर है उस दौर दे विच नित नई उपलब्धि जिहड़ी है लोग हासिल कर रहे हैं, जिहड़ियां उपलब्धियां दे बैठ के तुसीं जे बहुत ज़्यादा संतुष्टजनक हो जाओगे तो तुसी उस उपलब्धि नूं जल्दी खो दोगे और कंपीटिशन तो बाहर हो जाओगे। इस करके अज इस प्रोग्राम के राही मैसेज है कि अपनी उपलब्धि तो बिल्कुल भी कॉम्पलेसेंट नहीं होना बल्कि इसको बरकरार रखना। सर जेकर गल करिए कई बच्चे जिहड़े हैगे आ अज भी मोबाइलों के खुबे रहिंदे हैगे आ, पढ़ाई वाल उन्हां दा बहुत घट ध्यान हैगा, उहदे बारे की कहना चाहोगे? मैं इस प्रोग्राम नूं करदा ही हर साल इसे करके आ जी, और इस प्रोग्राम च तुसी देखिया कि असीं जिहड़े बच्चे आए उन्हां नूं भी माइक ते बुलाया और उन्हां पुछिया कि तुहाडी सक्सैस दी रेसिपी की है, उन्होंने दस्या बच्चों ने, और बाकी बच्चों नूं भी मैसेज देना चाहते हैं कि जे बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया है ये फोकस रहे है, जिहड़ियां डिस्ट्रैक्शनस हैगियां, डिस्ट्रैक्शन भी जिहड़ी मोबाइल दा तुसीं जिक्र कर रहे हो जिन्हों तुसीं एक रील जब देखते हो तो पता नहीं लगता उन्हों रोल करते करते कद घंटा निकल गया। जे तुसीं अपना कीमती समय इस किस्म के काम के वेस्ट करोगे तो जिंदगी दे विच सम्मान नहीं मिलेगा, जिंदगी दे विच आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जिंदगी दे विच कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो मैं सारे बच्चों इस थोड़े चैनल के राही अपील करना चाहाँगा कि समा जोड़ा है 24 घंटे
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।